Okay, thank you very much. And first of all, I'm very sorry if I'm late. No, it is not. Okay. I was sleeping in my car. So each and everybody who was there in my car, they were trying to, you know, Google map the location and they were somehow failing. जब यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो गूगल ख़त्म हो गया. तो अचानक से कुछ देर और आगे बढ़े तो देखा हाँ यहाँ यहीं पे है, मतलब जहाँ पे गूगल से भी आगे जो है ये वेन्यू. सो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, जुनून के कुछ लोग बैठे थे और बातचीत कर रहे थे कि हम क्या बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नुक्कड़ खाना है और नुक्कड़ पे जो है बातचीत, और बातचीत का सिलसिला आजकल ख़त्म हो चुका है. बातचीत से मुझे सुनली आया कि हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, हम लोग संवाद नहीं करते हैं एक दूसरे से, हम लोग परिवार में भी संवाद नहीं करते हैं. और परिवार में संवाद की स्थिति बहुत पहले ख़त्म होनी शुरू हो गई थी. जैसे जैसे परिवार न्यूक्लियर होता जा रहा था, एक दो बच्चे, माँ बाप, अगर कोई दादा दादी है, नाना नानी है, तो किसी अपने कमरे में सोती थी, उनका खाना पहले दे दिया जाता था, या फिर वो जब सो के उठेंगी या उनके दवाई का समय होगा तब उनको खाना दिया जाएगा. बाकी जो है पिताजी जो हैं वो काम पे गए हैं, वो तो हैं ही नहीं लंच पे. और माता जी जो है बेचारी, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खिला के खाएंगी, और बच्चे बड़े हो गए तो वो कभी भी खाएंगे. तो ऐसे ही सिलसिला चला. मैं जिस जगह का हूँ वहाँ पर खाना सब साथ में खाते हैं, खाते थे, वो उस समय की बात है जब गांव में सब लोग नीचे बैठ के खाना खाया करते थे. भाई खाना लग गया, खाना लग गया, खाना लग गया, बाहर तक आवाज़ जाती थी, जितने लोग होते थे सब अपना काम छोड़ के खाना खाने आने बैठते थे. कुर्सियों का और टेबल का सिलसिला नहीं होता था, सब नीचे बैठते थे. और माता जी नहीं खाती थी, जाहिर सी बात है कि आप उस तरह के समाज से आते हैं जहाँ पे औरतें बाद में खाना खाती थी और बाकी सबको खिलाया जाता था. तो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे तो हमें हुआ कि एक संवाद, अगर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जुनून जो है वो अपने आप में, मुंबई लोकल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है जहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं. तो आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बोलने से ज़्यादा मैं आप लोगों से बोलने के लिए जो कारण है या बोलने की जो तत्व हैं वो आपसे मैं निकालने की कोशिश करूँगा कि आपसे भी बातचीत में हम लोग बातचीत करेंगे. एक आदमी बोलता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते मैं भी थक जाऊँगा. It's not a speech session or it's not a workshop going on where the teacher is giving a gyan on acting or language. Language is something that I am very passionate about. I am very passionate about listening to good language. I am very passionate about listening Hindi, English, Marathi, Bengali, whichever language it is. I am very passionate about good language. So, ऐसे बातचीत हम लोग करते रहते हैं. तो एक नुक्कड़ वाला, नुक्कड़ की जो बातचीत का समय था कि जाते हुए रुक गए, चाय पीने लगे, और चाय वाला और कोई बगल के ज़मींदार साहब हैं या बगल से कोई बाबू साहब हैं या कोई भी है, सब वो उस चाय के दुकान पे वो सब इक्वल हो जाते थे. द स्टेटस सबका इक्वल हो जाता था और सबके सब आपस में बातचीत करते थे. एंड देयर इज़ टू बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. वो आइडिया कहीं से भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली सबके अपने परसेप्शन और एक्सपीरियंस से आता है. अभी वो बंद हो गया, अभी मैं गांव जाता हूँ अपने बिहार में. देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. दिस कंप्यूटर हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज द, यू नो, द इंफॉर्मेशन, बट इट हैज़ टेकन अवे द कम्युनिकेशन. अर्लियर हम लोग एक छोटी सी सूचना के लिए, एक छोटे से ज्ञान के लिए हम लोगों को बहुत सारी किताबों की लाइब्रेरी छाननी पड़ती थी, बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती थी.
लेकिन आजकल हर चीज़ गूगल पे है, यू टाइप इट इज देयर. द कंप्यूटर हैज़ डन दैट फेवर टू अस, बट कंप्यूटर हैज़ टेकन अवे द जॉय ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ. कंप्यूटर हैज़ टेकन अवे द जॉय ऑफ इंटरैक्शन, जॉय ऑफ कम्युनिकेशन. उसी में से बातचीत निकली कि हम लोग भाषा के बारे में बात करते हैं, कि भाषा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए. भाषा सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ यू नो साउंड, ग्रुप ऑफ लेटर्स. भाषा अपने आप में जो है एक आप कम्युनिकेशन का, संवाद का बहुत बड़ा जरिया है. अगर सही लैंग्वेज, सही शब्द नहीं चूज़ किए जाएँ, सही शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाएँ, तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा. और कितनी बार फ़ोन पे बात करते हुए हम लोग चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से नहीं बता पाते हैं. आजकल मैंने देखा है तो लोग कहते हैं, अरे यार मैं मिल के बात करता हूँ ना तुमसे, मैं मिल के बात कर रहा हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लैक करते जा रहे हैं. हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. हमको मिल के बात करके, जब हम मिल के बात करने की बात आती है, फिर से वापस उसी जगह पे चले जाते हैं. कहाँ पे? खाने के टेबल पे, जब हम खाने के टेबल पे बैठा करते थे. भाषा, सही भाषा और संवाद, इन दोनों का सामंजस्य देखिए कितना स्थापित होता है. तो यही बातचीत हम लोग कर रहे थे कि थिएटर में या सिनेमा में आज अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई देखो ये रोमन में लिखा हुआ है, और मुझे रोमन में बहुत तकलीफ़ होती है, मैं नहीं पढ़ सकता रोमन में, ये 5 लाइन आप ज़रा सा इसको देवनागरी में लिख के आइए, आपको पता है सेट पे क्या होता है? सेट पे मीटिंग्स बैठ जाती हैं. एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स नॉट फनी. आज मैं अगर किसी को बोल दूँ 5 लाइन हिंदी में रोमन में लिखा हुआ है, इसको देवनागरी में लिख के आइए, पूरे के पूरे सेट पे हलचल मच जाती है, और आपस में एक दूसरे से कानाफूसी होने शुरू हो जाती है. यार तुझे आती है क्या? तुझे नहीं, यू नो इट हाउ टू राइट हिंदी? ये नो, आई नो इट, बट यू नो इट इज टू ब्रोकन. तो एक पूरे तरीके से ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, और ना बोलना आता है. तो किसी लड़की ने मुझे कहा सेट पे कि सर क्या है ना सर, वो नो एक्चुअली हिंदी इस ना सर, हमारे ना 7th तक था सर, उससे मैं बाकी समय क्या था तो इंग्लिश था. मैंने कहा अच्छा, टेल मी दी स्पेलिंग ऑफ एनवायरनमेंट. सर आप टेस्ट ले रहे हो सर? नहीं सर ऐसे मत करो. मैं टेल मी दी स्पेलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इजी. सो हमने जो है धीरे 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 करके भाषा सिर्फ अगर हम थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेते हैं तो ठीक, क्योंकि कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गया. फिर से मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हम लोग सिर्फ इस फ़ोन से चिपके हुए हैं, और उस फ़ोन से जो ये कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं, हम लोग धीरे 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 भाषा को ख़त्म करते जा रहे हैं. किसी ने कहा कि अच्छा वो इंग्लिश हो गई है सर आजकल, इंग्लिश. देखिए इंग्लिश क्या है ये बताइए, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश है सही न जानने का एक्सक्यूज. ना इंग्लिश जानने का एक्सक्यूज, ना हिंदी जानने का एक्सक्यूज, क्या है? इंग्लिश है. हमने उसको कह दिया कि नो सर एक्चुअली यू नो अब तो यू नो वी आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद हिंदी, बट यू नो बिकॉज आई कैन कम्युनिकेट सर, आर लैंग्वेज इज इंग्लिश. इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है. हिंदुस्तानी होता है. हिंदुस्तानी क्यों कहा गया? क्योंकि उर्दू पहले, उर्दू में ज़्यादा ऑफिसेस का काम होते थे. हमारे जो बुजुर्गवार हैं यहाँ पे बताएँ कि उर्दू बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती थी पहले. इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सालों तक उर्दू जो है, कोर्ट के काम भी उर्दू में हुआ करते थे, और ऑफिसेस के काम बहुत सारे उर्दू में हुआ करते थे. पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की भाषा उर्दू हुई.
हमने अपनी भाषा जो है धीरे 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 करके नॉर्थ इंडिया की खास करके हिंदी में रही, और वो उर्दू जा रही थी हिंदी आ रही थी, और दोनों एक दूसरे से एक दूसरे से अपने आप को एनरिच कर रहे थे। तो उधर कुछ हिंदी जा रही थी, इधर बहुत सारा उर्दू भी आ रहा था, तो वो हिंदुस्तानी कहलाया बाद में। लेकिन हिंग्लिश क्या होता है? हिंग्लिश तो कोई किसी भी तरीके से हिंग्लिश हमारे यहाँ पे प्रचलित हुई नहीं। अभी लोग हिंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, हिंग्लिश 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 हिंग्लिश। इस मुंबई शहर की मैं बहुत परेशान रहा मैं, क्योंकि छोटी बच्ची है मेरी, मैं उसको हिंदी में बात करने जाता हूँ, हिंदी में बात करती नहीं है वो उससे। तो अचानक मुझे एहसास हुआ, क्या उसकी गलती या मेरी गलती है? एज ए पेरेंट आई एम आई फेलिंग? देन आई वाज टॉकिंग टू हर प्रिंसिपल कि प्लीज़ आपके कम से कम हिंदी के जो टीचर हैं उन्हीं को अच्छा कोई टीचर ढूंढ लीजिए। तो उन्होंने कहा, मनोज जी मुझे अच्छा टीचर ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? टीचर अच्छा नहीं मिल रहा है हमारे स्कूल के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा हमको हिंदी के लिए। मराठी में अभी भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर सही माने तो आफ्टर 5-10 ईयर्स इवन द मराठी टीचर्स विल गो अवे, दे विल वैनिश, केपेबल एक्सपर्ट मराठी लैंग्वेज टीचर्स। हम इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषा जानना जो है उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, सिर्फ उस जगह पे ही नहीं जहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या बाकी ऑफिसेज में, वहाँ तो ख़त्म हो ही चुकी है, लेकिन जहाँ पे भाषा की ज़रूरत है जानना, उन्हें ज़रूरत है, वह है थिएटर, सिनेमा, टेलीविज़न, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ भी भाषा ख़त्म हो रही है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्यों? बाकी लोग तो कम्युनिकेशन है उनके लिए कि किसी तरह से कम्युनिकेट करना है, लेकिन इन लोगों के लिए तो भाषा ज़रूरी है, इनको तो भाषा आनी चाहिए। तो किसी लड़के ने कहा कि मनोज सर आप इतना ज़्यादा भाषा कर रहे हो, लेकिन आजकल सर हम लोग फिल्में जो बना रहे हैं या कोई थिएटर भी कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर जिस मिल्लू का है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं, विच इज़ गुड, वेरी गुड, लेकिन भाषा बिगाड़ने के लिए भी तो भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। भाषा को अगर मैं किसी खास मिल्लू में डाल रहा हूँ तो उसके लिए तो सही, मतलब सही भाषा का होना ज़रूरी है। अगर मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बिकू महात्रे का नाम लूँ, 20 साल पहले मैंने किया था उस रोल को, तो हिंदी तो मुझे आती है, तभी तो मैं जान पाऊँगा कि बिकू महात्रे की हिंदी कैसी होगी या किस सुर में बोलेगा वो, और कहाँ पर क्या शब्द नहीं बोलेगा और क्या शब्द बोलेगा। तो सही भाषा का ज्ञान होना तो ज़रूरी है। हम लोग आजकल, मुझे अंग्रेज़ी भी अच्छी नहीं सुनाई देती है, और माफ़ कीजिएगा मैं अंग्रेज़ी मीडियम का आदमी नहीं हूँ, मैंने अंग्रेज़ी और हिंदी सीखी है बिहार से निकलने के बाद, मेरी अपनी मातृभाषा भोजपुरी है, और चूंकि भाषा से मेरा इतना प्रेम रहा है कि आज भी जब मैं गाँव जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारी भोजपुरी तो हम लोगों से ज़्यादा अच्छी है। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं बहुत ही काबिल आदमी हूँ इसलिए नहीं, बिकॉज आई लव लैंग्वेजेस, आई एम पैशनेट अबाउट गुड लैंग्वेज। मुझे भोजपुरी अच्छी बोलना बहुत अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छी हिंदी बोलना या अच्छी अंग्रेज़ी सीखना। मैं किसी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल का नहीं हूँ, मैं गांव का हूँ, वहाँ पे हम लोगों की जब मैं बिहार से निकला था तो वहाँ पर हिंदी हम लोग लिख लेते थे, लेकिन हमारी स्पेलिंग बहुत बुरी होती थी, क्योंकि बिहारी अमूमन भोजपुरी इतनी ज़्यादा उनके अपने संस्कार में होता है कि वो शराब नहीं बोलते, वो शराब बोलते हैं, वो ज़मीन नहीं बोलते, वो जमीन बोलते हैं, वो फैन नहीं बोलेंगे, फैन वह चलाइए तो है ना। तो वो
एफ नहीं होता है, फ ही होता है. और अगर वो कितनी बार जो है जहाँ पे एफ लगेगा वहाँ पे पीएच लगा देंगे वो, तो उनका वो उनकी भोजपुरी का असर बहुत ज़्यादा होता है उनके एक्सेंट पे, उनके अपने स्पेलिंग पे. उनको सीखते सीखते चीज़ें आती हैं. और इसी पे हम लोग मुंबई लोकल के लोगों से बातचीत हो रही थी कि भाषा का ज्ञान होना, भाषा की समझ, भाषा पे लगातार काम करना, और आजकल कितना चैलेंज हो गया है अच्छी भाषा सीखना, बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं उस दिन करण थापड़ का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे अच्छा लगा. पहली बार जो है मुझे लगा कि कोई आदमी इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, मतलब इम्प्रेस करने के लिए अच्छी भाषा नहीं बोल रहा है. उसको सुनते हुए अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आर्काइव में रखी हुई कोई चीज़ है जो अचानक निकाल के रखी गई जा रही है सामने. आशुतोष राणा मेरा दोस्त है, वो जब हिंदी बोलता था, हम लोग 20 साल पहले उसकी भी उसका भी उत्थान हुआ और वो भी नया नया उसको नाम सम्मान मिलना शुरू हुआ था. तो मुझे याद है कि जब वो किसी अवार्ड फंक्शन में उसको अवार्ड मिलता था या बोलता था वो, तो बहुत सारे यहाँ के जो फिल्म मैगज़ीन के जो जर्नलिस्ट हैं वो मुझसे उसकी शिकायत करते थे, कहते थे पता नहीं ये हिंदी बोलते हैं कि हिंदी बोल के डराते हैं. और उस समय मुझे लगता था कि वो हिंदी बोल के डराता नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये भाषा बहुत अच्छी आती है और इसमें मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ. उसके कॉन्फिडेंस से लोगों को घबराहट होती थी. उसके नॉलेज ऑफ लैंग्वेज से लोगों को बड़ी घबराहट होती थी और उसको वो लोग नाम देते थे एरोगेंस. अब शशि थरूर तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसको आप एरोगेंस नहीं बोलते. कोई अच्छी मराठी बोलेगा, अच्छी हिंदी बोलेगा, अच्छी गुजराती बोलेगा तो कहते हैं यार बहुत एरोगेंट है यार, इसको ना अच्छी मराठी आती, अच्छी हिंदी आती. अच्छी अच्छी भाषा जो है उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. मेरी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है. मैं ये जो भाषा की बात इसलिए आई थी कि बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आजकल परेशान हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छी भाषा कैसे सिखाऊँ. वो 7 साल साढ़े 7 साल की है और मैं कैसे उसके ज़बान से हटाऊँ कि इस ऑल राइट पापा बोले. वो ऑल राइट बोलती नहीं है, कहती स्कूल पापा, स्कूल. सो जो चैलेंजेस हैं भाषा को लेकर के वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल. और यही मैंने शेयर किया था मुंबई लोकल के रिप्रेजेंटेटिव से, उनके अपने जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि भाषा पे हम लोग बात करेंगे जब आप मुंबई लोकल में आएंगे तो. एंड दैट इज़ हाउ यू नो एंड इट यू नो इट वॉज अमेजिंग कि मतलब एक थिएटर का आदमी, एक सिनेमा का आदमी, मुझे लगा कि अच्छा यार हम कम से कम फॉर अ चेंज आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एक्टिंग एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ यू नो गुड लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस इन द कंट्री इट्सेल्फ. तो अभी तो मैंने बोल लिया, लेकिन मैं आप चाहूँगा कि आप में से इसमें कुछ ऐड करना चाहता है. सो विल स्टार्ट यू नो एक्सचेंजिंग द आइडियाज, द चैलेंजेस दैट यू फेस इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, यू नो स्पीकिंग गुड लैंग्वेज, राइटिंग गुड लैंग्वेज और हियरिंग गुड लैंग्वेज. कैन एनीबडी कंट्रीब्यूट? या खासकर हिंदी से थोड़ा लगाव मेरा भी है जी. मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मैं भी गाडरवाड़ा से हूँ, जहाँ आशुतोष गाडरवाड़ा. हाँ सर, हम जिस तरीके से मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम करता हूँ और जब बात आती है सरल भाषा में विज्ञान, यानी वैज्ञानिक लेखों को इतना सरल बना के कि बच्चे बड़े सब उसे अपना कर पढ़ सकें, तो ये फील हो रहा है कि कुछ सालों में बड़े बड़े जो लिखने वाले लोग बचे हुए हैं हिंदुस्तान में, कि हमारा लिखना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है उस स्तर का, तो जिससे हमारी भाषा में नए शब्दों का समावेश नहीं हो पा रहा है और भाषा धीरे धीरे मर रही है. हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सिनेमा, टीवी, न्यूज़पेपर या कुछ ही माध्यम बचे हैं
जहाँ ये अभी भी सांस लेती है, लेकिन हमारे बाकी के माध्यम शायद हमारे आधुनिक होने की रेस में कहीं खो रहे हैं, जो आपने भी बहुत अच्छे से रखा। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन यहीं से मैं दो बातें करूँगा। एक बार मैं उड़ीसा में भुवनेश्वर में वर्कशॉप ले रहा था, और वर्कशॉप था वो झोपड़पट्टी के जो बच्चे होते हैं और प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे कुली का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ मैं वर्कशॉप ले रहा था। मैं एक एनजीओ जो है उनके साथ काम करती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था बहुत साल पहले जब मैं थिएटर करता था, तो वहाँ पे एक बच्चा था जो हिंदी लिखता था, उड़िया बच्चा, उड़ीसा की अपनी भाषा बहुत स्ट्रांग है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, एज प्राउड एज एनीबडी फ्रॉम महाराष्ट्र, यू नो, कि जो अपने मराठी को लेकर के जितने उनको गर्व है। तो मैंने उसे पूछा कि तू इतनी अच्छी हिंदी कैसे लिखता है? तो उसने कहा, भैया जब मैं बड़ा हो रहा था तो जैसे कोई फिल्म देखने जाता था हिंदी की, तो जैसे देखने गया कालिया, तो मैं देखता था कि वो का और ये ली है और ये या है, तो का ली या, और मुझे समझ में आया कि ये क है, और ऐसे मात्रा देंगे तो का हो जाएगा, ऐसे मात्रा देंगे तो ली हो जाएगा, ऐसे मात्रा देंगे तो या हो जाएगा। ऐसे करके उसने पूरी हिंदी राइटिंग सीख ली, वो जो झोपड़पट्टी का प्लेटफॉर्म का बच्चा था, उसको बहुत ज़्यादा शौक था हिंदी सीखने का या लैंग्वेज का उस बच्चे को, तो उसने पूरी लैंग्वेज बिना किसी टीचर के सीख ली हिंदी में लिखना। उसी तरीके से जैसे आपने अपने अभी क्या बोला था सर? जी मैं बोल रहा हूँ कि हमारा हिंदी में या कोई भी भाषा में, खासकर मैं हिंदी की बात करता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में कभी कभी लिखता भी हूँ, मेरी लेख अपनी रुचि के ऊपर विज्ञान में, तो देख रहा हूँ कि इसमें अच्छे लेखों की कमी इसलिए नहीं हो रही है कि भाषा में शब्दों की कमी है, लिखने वालों की कमी होती जा रही है, तो शब्दों की उत्पत्ति भी उसके कारण बंद हो गई है। शब्द भाषा का जो अलंकृत होना होता है, दूसरे शब्दों को लेके उसको एक प्रज्वलित कर सकें हम, ऐसी एक मूवमेंट की भी कमी हो रही है, जिसके कारण आशुतोष जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी लेख भी आप पढ़िए फेसबुक पे, आजकल वो अपनी लेखन का बहुत अच्छे से, उस पढ़ने के बाद लगता नहीं है कि आप भारी इतने शब्दों को आपने अंदर समाहित कर लिया है, आप फ्लो के साथ बह जाते हैं। ऐसे ही आपको या उनको जब हम सुनते हैं तो पता नहीं चलता बड़े से बड़े वाक्यांश कैसे हम समझ के अंदर आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भाषा, जो आपने गुड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाषा का जो बोलने का तरीका हमारा जो पैदा हो रहा है, शायद वो टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी जो जो कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर ने जो क्रांति किया है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, वही शुरू में कह रहा था कि इन्फॉर्मेशन में तो क्रांति आई है लेकिन कम्युनिकेशन में वो ख़त्म हो गई। कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद कर दिया कंप्यूटर ने, उसने सूचना में तो क्रांति लेके आया वो, लेकिन कम्युनिकेशन उसने ख़त्म किया। जब कम्युनिकेशन ख़त्म किया है तो वो संवाद की संवाद ही नहीं होंगे तो भाषा कहाँ पे उपयोग होगी? भाषा का धीरे धीरे चलन ऐसा होता जा रहा है कि जहाँ पर अब लोगों ने सही नहीं बोलने को एक बड़ी इसको बड़ी चीज़ मानना बंद कर दिया है। जब हम लोगों के समय में सही भाषा नहीं बोलना, नहीं बोलने से हमको प्ले में रोल नहीं मिलते थे अच्छे। जी हाँ, मुझे रोल से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप अपने जो है आपका बड़ा अजीब सा लहजा आ रहा है, आप पहले इसको ठीक कीजिए, आपका डिक्शन सही नहीं है, आप पहले जाकर ठीक कीजिए। आप एक छोटी छोटा सा प्ले, एक छोटे सा अंग्रेजी प्ले में मुझे रोल मिला चार सीन का इंग्लिश में, तो मैंने जब बोलना शुरू किया उन्होंने कहा नहीं 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 आप सही ढंग से नहीं बात कर रहे, पहले तो आप जा करके अपनी प्रोनंसिएशन ठीक कीजिए, फिर उसके बाद जो है रिहर्सल पे आइएगा। ये हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं प्ले की, हम यहाँ पर लैंग्वेज की क्लास नहीं कर रहे। तो वो एक्स्ट्रा एक बर्डन देता था, एक्स्ट्रा चैलेंज देता था कि आप अपने आप को पूरे तरीके से ट्रेन करें, अब पूरे तरीके से अपने आप को उस लायक बनाएं। तो हमारी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट, एक जो अतिरिक्त कोशिश की जो है डिमांड की जाती थी, वो
डिमांड करना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद हुआ. एक सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद होता चला जा रहा है. और इन्फॉर्मेशन में तो हम बहुत ज़्यादा क्रांति कर रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन में उतने ही पीछे की तरफ गए हैं. तो वो एक अपने आप में ये कितना सच है और कितना इसमें झूठ है मुझे नहीं पता. कितना मैं बोल रहा हूँ आधा सच है या आधा झूठ है पता नहीं, लेकिन इस चैलेंज से मैं आजकल गुजर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी बेटी को अच्छी भाषा सिखा पाऊँ, मैं उसको अच्छी हिंदी की किताब दे पाऊँ या अच्छी अंग्रेज़ी की किताब दे पाऊँ, उसको अच्छी अंग्रेज़ी सिखा पाऊँ, अच्छी हिंदी सिखा पाऊँ, जो भी बोले वो अच्छा बोले, कल को मराठी बोले तो अच्छी मराठी बोले. वो अच्छी मराठी नहीं बोलने के लिए एक अलग से शब्द का यूज़ नहीं करे. जैसे हिंग्लिश मेरे लिए एक्सक्यूज़ है. अच्छी इंग्लिश या हिंदी नहीं जानना और उसको नाम देना हिंग्लिश, ये एक्सक्यूज़ है हिंग्लिश. तो वो एक इस समाज का सबसे बड़ा चैलेंज होता जा रहा है. या सो आई कंप्लीटली सिंपथाइज एंड एम्पथाइज विद व्हाट यू आर सेइंग. बट यू नो वी लिव इन अ माहौल इन बॉम्बे फॉर एग्जांपल ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड मेनी स्क्रिप्ट्स आल्सो. देवनागरी, यस, मराठी हैज़ देवनागरी एंड हिंदी हैज़ देवनागरी, बट ओडिया और बंगाली दे ऑल हैव डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर everybody to learn the scripts, but it is good to learn the language even if you don't know the script. And if you use Roman, if you are a Tamilian like I am and I'm able to read Odia in Roman and learn Odia, I think that's a big achievement. So while what you say is true, you do need to speak a language properly, it is not that important to learn to write the language in that script. It depends on the field you are in. In your field, it must be important. But in general, I think the ability to learn a number of languages and speak them, even if a little bit not so pure, is more important than learning one language perfectly. ये एक perspective है, लेकिन पूरी कदर करते हैं हम लोग. लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो जिस लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बातचीत करते हैं, उस लैंग्वेज की जानकारी तो आपको होनी चाहिए. तमिल इज़ नॉट माई लैंग्वेज, आई डोंट ऑपरेट इन तमिल. लेकिन मैं उसमें अगर मैं तमिल कभी कभी मेरे काम में आने वाली चीज़ है और उसको रोमन में लिखता हूँ, उससे मेरा काम चल जाता है तो ठीक है. लेकिन हिंदी तो मेरी रोज़ की भाषा है, मराठी तो मेरी रोज़ की भाषा है, अंग्रेज़ी मेरी रोज़ की भाषा है. She didn't know Hindi script, so she had to learn it in Roman and speak it, I presume. Right. Nothing wrong with that. She speaks reasonably good. Ma'am, believe Hindi. Me, when I was working in Telugu, I worked in 4 Telugu films. You know why I left? I just stopped taking any more Telugu films because it was very hard. Not only it was very hard to, express in a language which is not familiar to me, but also somewhere I felt that I'm cheating. वो कहते थे क्या कि यार आप सिर्फ मुँह चला दो बाकी हम उस पर डब कर देंगे. आप सिर्फ आप प्रॉम्प्टिंग हम आपको देंगे, आप बस बोलते चले जाए. मुझे लगता है कि ये मुश्किल है. वो कैसे हो सकता है? बहुत सारे एक्टर्स करते हैं जैसे आप कह रही हैं, बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो है अच्छा कर रहे हैं. हमारे हिंदी भाषा के एक्टर्स हैं, बहुत सारे मराठी भाषा के एक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत बिजी है. नथिंग, आई मीन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहूँगा, जैसे सयाजी शिंदे एक एक्टर है जो पूरे तरीके से तेलुगु सीख चुका है, अपनी डबिंग खुद करता है, वो बहुत बहुत अच्छी तेलुगु बोलता है, तो क्या मैं सयाजी शिंदे को उस एफर्ट को सबसे अच्छा नहीं मानूंगा? सयाजी शिंदे का एफर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा महान है लैंग्वेज को लेकर के. उस क्योंकि वो सही नहीं बोल पाना, कतई नहीं बोल पाना उसको परेशान कर रहा था, तभी उसने जाके सीखा. मनोज बाजपेयी ने नहीं सीखा. मनोज बाजपेयी ने कहा भैया नहीं करूँगा मैं, मुझे ये 2-3 लैंग्वेज जो है ना इसी पे मेहनत पूरे तरीके से नहीं हो पा रही, इसी को समझने में मेरी बहुत ज़्यादा जान जा रही है, मैं ये करूँगा. सयाजी ने कहा कि नहीं मैं इसको भी सीखूँगा, उसने उसको भी सीखा.
and he works in that language, he knows the script. वो वहाँ के पूरे लैंग्वेज को जानता है, लिखता है और उसी में एक्टिंग भी करता है, अपनी डबिंग भी करता है. तो मेरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे बात की कोई लिखने या नहीं लिखने की नहीं हो रही है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन ने किस तरीके से लैंग्वेजेस पे भी वार किया है, आघात किया है, उसकी बात करें. पहले लोग अच्छी भाषा अगर नहीं बोल पाते थे तो आसपास वाले भी उसको बोलते थे, यार तुम यार तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं हो रही है, तुम जरा सा वो किताब पढ़ो या अखबार आप लेके आइए. इसका जैसे मेरे साथ होता था, अखबार लेके आइए और आपके ज़ोर ज़ोर से ज़रा पढ़ो. मेरे साथ में लोग करते थे, मेरे सीनियर करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो चाहे अंग्रेज़ी की भाषा को लेके हो चाहे हिंदी की भाषा को लेके हो, वो मुझे डांटते थे कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, आप लेके आओ, आप जरा लाउडली पढ़िए इसको. हमारे थिएटर के टीचर किया करते थे हमारे साथ में, नॉट बिकॉज आई वॉज एन एक्टर, बिकॉज समवेयर दे फेल दैट यू बी स्पीकिंग और नोइंग अ राइट लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो भाषा को लेकर के लड़ाई जो थी, उस अच्छी भाषा को लेकर के, वो उस समय बहुत बहुत होती थी. अब मैं वो देखता हूँ कि वो नहीं है. जब मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा होता हूँ तो मुझे वो देख मिलता नहीं है जल्दी. मैं खोज रहा हूँ, अगर आपके पास में कोई होगा तो ज़रूर बताइएगा जो उसको हिंदी सिखा दे, यू नो. हाँ जी सर, मुझे लगता है कि बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने कुछ किया है, नहीं, ये कारण मुझे लगता है कि आपके हमारे चॉइस की बात है. थोड़ी बहुत माँ बाप जो है वो बिजी रहते हैं पूरा दिन, और फिर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, बच्चों को मोबाइल लाकर दे देते हैं, फिर बच्चे उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं. ज़्यादातर जो उनकी चैटिंग होती है व्हाट्सएप पर या कहीं भी, तो वो सारी जिसको आप इंग्लिश कह रहे हैं या बैड लैंग्वेज कह रहे हैं उसमें होती है. तो मुझे लगता है कि अगर हम एज पेरेंट्स हमारे चॉइसेस बदल दें, होता क्या है कि वी आर सो बिजी इन अर्निंग मनी दैट वी फेल टू लुक एट आवर चिल्ड्रन, एट देयर डेवलपमेंट, एट देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. सो इफ़ वी वर टू जस्ट गिव अप फॉर सम टाइम आवर डिज़ायर टू रन आफ्टर रन द रैट रेस आफ्टर मनी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द चिल्ड्रन, आई थिंक देर आर पीपल हु डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आर स्टिल मैनेजिंग टू पे गुड अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन. थोड़ा सा इस पर मैं ऐड करता हूँ आपकी बात से. दे आर सम पेरेंट्स, यू आर वेरी राइट, कि दे आर सम पेरेंट्स हु आर अनेबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम टू देयर चिल्ड्रन, यू नो, आफ्टर स्कूल. बट दे आर सम पेरेंट्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड विद देयर चिल्ड्रन, very very hard, and I'm talking about those parents. I'm talking about those parents because those parents are feeling challenged, not only about the language but it's also about so many other things. Secondly, you were talking about the phone and iPad. That's a very big challenge. Agar aaj ki tarikh mein bacche ke paas se स्मार्टफोन या आईपैड हटा पाना, कंप्यूटर हटा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है. वो एक तरीके से अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है. लेकिन टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ये एक अनदर एक अलग एरिया ऑफ चैलेंज होता जा रहा है कि उसके साथ में हम उसको कैसे लिखना सिखा पाएं, उन सब के साथ में हम उसको बाकी और किस तरीके के संस्कार उसको किस तरह से दे पाएँ, उसको हटा के नहीं, क्योंकि उसको हटा पाना मुश्किल होता जा रहा है. वहाँ पर भी एक चॉइस आपके पास रहता है, किंडल जैसी ऐप होती है, वहाँ पर कई सारी किताबें आपको मुफ्त में मिल सकती हैं. बिल्कुल, आप डाउनलोड कर सकते हैं. बिल्कुल, तो वो अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनको दिखा दें एक बार. नहीं, बहुत सारी, देखिए जैसे आप बहुत सारी कहानियाँ जो है हम स्मार्टफोन में भी जो है लेकर के आते हैं और उसको जो है बच्चे को देते रहते हैं. किंडल में तो आप जाएंगे तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा बोर होता है कि सिर्फ उसको जो है लिखी हुई चीज़ें देख रहा है, वो वहाँ पे बोर होना शुरू होता है. वेल, या कैन यू हियर मी नाउ? या वेल, इन द फर्स्ट प्लेस आई हैव बीन अ टीचर ऑफ लैंग्वेज फॉर 55 इयर्स. आई एम स्टिल टीचिंग एंड आई एम टीचिंग द मुंबई पुलिस कॉन्स्टेबल स्पोकन इंग्लिश
And there are more fundamental issues about language. Yeah, I would like to hear you. In the first place, mother tongue is disappearing. I asked a couple of my postgraduate students, what is your mother tongue? They looked around and said, I think it is English. I said, no, it is not English. What do your parents speak? Marathi. I said, do you know Marathi? No, I don't speak Marathi because they don't speak Marathi to me. And I said, you ask your parents why they don't speak Marathi at home. And the student came back to me and said, no, my parents felt that I went to an English medium school, and if I spoke or learned Marathi at home, it would interfere with my learning of English. I said, that's not correct. You know, English you will learn at school, but losing a language, you know, I think you agree that languages are disappearing. People think it is below their dignity to speak in their mother tongue. Now, I can speak 7 languages, okay? I can read and write 4 languages. I can speak Arabic as well, okay? Now, how did I learn these languages? Well, as you said, passion, the desire to learn a language. Okay, so languages are disappearing. I hold the parents responsible. नहीं हिंदी में मत बोलो इंग्लिश में बोलो बिकॉज क्या हिंदी में बोलती है मराठी में बोलती है यू आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल इट्स नॉट हॉलमार्क यू नो टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेशल एंड सेकेंडली इंग्लिश हैज कम टू स्टे पीपल आर नॉट यूजिंग मदर टंग द हिंदी दैट यू स्पीक इन बॉम्बे इज चलता है हिंदी ओके बट even English, you know, this is my experience. I am teaching postgraduate students. I examine their papers. Even their English is not perfect. And what is bothering me is interference of, what is that, the language of computers, language of, you know, they use abbreviations which I don't understand. And I just don't understand. I have to call the students and say, what does it mean? They use abbreviations, acronyms, father, F-O-S. What is F-O-S? Father over my shoulder. He is watching me because he is so concerned about my moral behavior. He wants to know if I am watching some porn clips. So he is quietly watching over my shoulder. So I'm stopping now, I'm not chatting. Now this, so perfection of language, we are not saying we are going to be Shakespeare's and Milton's and others, but even basic grammar. Now, for example, in, whatever ways, okay? And no ways, you know, these are, this is no any ways. Whatever ways, any ways, this is not English. And there are basic things like grammar. In most of the vote of thanks addresses, I have noticed, I've corrected them, but still they continue to make the same mistake. I've given up. And they say, last but not the least. It is last but not least. There is no the in the second part. Yeah. And quite a, I shall be failing in my duty if I don't thank. I shall be failing in my duty if I don't thank. Why don't you make a list and say, I thank all the following. And then suddenly there is an afterthought. Oh, I'm so sorry, I've missed out. Now this is lack of preparation, all right. But what I'm saying is, mother tongue should not be ignored. My, I have a problem. My nephews and nieces speak English. Now, when my mother goes to them, she doesn't know how to communicate. Communication is lost. They try to speak in English. She tries to speak in her broken English. There is no communication. There is no communication. Communication creates bonding. You know, grandfather, grandchildren, grandparents, grandchildren relationship. All these are, you can't expect my mother to learn English at this age. Right. 88, 90-year-old lady cannot learn English at this stage.
And so mother tongue creates bonding with all the older relatives. And there is, you know, they older people teach you a lot, like mythology, Mahabharata, you know, biblical stories. My grandfather taught me parables. Though I'm not a Christian, I knew the Bible inside out. I still know it. Okay, I ask my students, you're a Christian, what is the old Bible called? What is this? Where is this? What is catechism? They cannot tell me. Now, so what are they learning? Language or subject? Why don't we emphasize the importance of mother tongue? One lady said, my father is Nepali, mother is, I want to, because I'm angry. No. So, children can learn 5 languages at a time. They have built-in grammar in their brains. So I have said what I wanted to say. I'm very, very angry. जो आप कह रहे थे क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में जी, उसमें मुझे लगता है कि हम सब थोड़े देर रिस्पॉन्सिबल हैं. जिस तरह से आप कह रहे थे कि जब आप आए थे इंडस्ट्री में तो जो लैंग्वेज की वजह से आपको कहा जाता था कि आप जरा थोड़ा प्रैक्टिस करके थिएटर में, हाँ थिएटर में रोल नहीं मिलते थे. वो रजत बताएगा कि अच्छे रोल नहीं देते आज भी लोग, नहीं देते अगर आपको भाषा नहीं आएगी तो. आज की तारीख में, लेकिन आज की तारीख में देखेगा तो जैसे आपके नए नए जो आरजेस वीजेस, जो आपके जो स्टेज शोज, जो अवार्ड फंक्शन शोज में जो आपके होस्ट होते हैं जी, उनकी स्त्रीलिंग पुलिंग जो देखो उसकी, मतलब कि सुनते ही ऐसा लगता है कि इनको किसने खड़ा कर दिया यहाँ पर. आपको हम अगर एक्सेप्ट करने लग गए तो वो जो एक्सीलेंस जो हम सोच रहे हैं कि लैंग्वेज की जो एक्सीलेंस से वो कोई प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा ही कर दिया अगर हमने आप, और उनको ही रोल मॉडल बना दिया, तो ये तो ज़रा मतलब कि वही चलता जा रहा है ना, वो स्लाइड होती ही चली जा रही है. जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल सही है. मैं जैसे अगर आप पहले के नसीर साहब से कभी बात करें, आप उनकी उर्दू कितनी अच्छी है, मतलब सुनना अच्छा लगता है. जावेद साहब की उर्दू बहुत अच्छी है, गुलजार साहब को सुनना अच्छा लगता है, इवन आशीष विद्यार्थी जो हमारा दोस्त है, सही है, बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है. यहाँ पे हमारे दोस्त हैं रजत, यहाँ पे उनसे बुलवाइए. हाँ. ये या फिर आपको श्री अमिताभ बच्चन जी से बात कीजिए, क्योंकि ये लोग लैंग्वेज के समय के लोग हैं, जहाँ पर परिवार में और समाज में लैंग्वेज का बहुत, उस पर बहुत जोर दिया जाता था कि भाई आप अधूरी मत बोलिए, आपको जो बोलना है पूरी बोलिए और पूरे समझ के बोलिए और पूरी जाके मेहनत कीजिए आप. उसमें भाषा का महत्व शायद इसलिए भी था क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे के साथ में संवाद बहुत ज़्यादा होते थे. अब अगर कम्युनिकेशन ही बंद हो गया पूरे तरीके से, तो कम्युनिकेशन जब जैसे वो आप नाराज़ हो रही थी, लेकिन दैट्स द न्यू लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज द न्यू लैंग्वेज. और उससे मैं बहुत दिन तक तो LOL मुझे समझ नहीं आ रहा कि LOL है क्या. तो मुझे लगता था कि ये लॉट्स ऑफ लव है. तो किसी ने कहा कि नहीं, लॉट्स ऑफ लव नहीं है, लॉट्स ऑफ लाफ्टर है. शायद यही है क्या, लाफिंग आउट लाउड. नाउ लुक, यू नो, सो लाफिंग आउट लाउड. अब वो लॉट्स ऑफ लाफ्टर क्यों नहीं हो सकता, लॉट्स ऑफ लव क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये सब. तो मैं खुद इसमें पीछे हूँ, एक नया लैंग्वेज आ रहा है, शायद हो सकता है कि अपने आप में साहित्य बन जाए. कल को किसने देखा, मतलब इस पे जो है, इसके बहुत सारे अच्छी अच्छी जो है किताबें इसकी, इस लैंग्वेज के ज़रिए लिखी जाए. अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म है. जैसे उस शुरुआत में ही बता रहा था मैं कि एक मतलब अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म के सेट पे एक भी आदमी नहीं था जो 3 लाइन देवनागरी में लिख पाता, और ये मैं एग्जाजरेट नहीं, 3 लाइन देवनागरी में, उस सेट पे एक आदमी नहीं था. द पर्सन हु द पीपल हु आई कुड लुक एट वो द पीपल फ्रॉम द डायरेक्शन डिपार्टमेंट. ये चलो ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है यार, कोई असिस्टेंट है यार, तुमको आता है क्या, तुम लिख दो कि मैं थोड़ा सा दूसरा पेज याद कर रहा हूँ. किसी को 3 लाइन लिखने नहीं आती थी. यस, इट वॉज लेस देन 30, यू नो.
So, you know, I'm talking about 18 onwards, 19 onwards, क्योंकि उसके बाद ही लोग आते हैं फिल्मों में असिस्टेंट बनने के लिए. तो आजकल जो एज ग्रुप है यंग बच्चों के, वो 18 से लेकर के 28, 29 के आसपास होती है. 28, 29 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वो आ रहे हैं. जिस वो उनकी गलती नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा नहीं जानता है जिस लैंग्वेज में वो काम कर रहा है, जैसे वो चाहे वो मराठी में काम कर रहा हो, चाहे वो तमिल में काम कर रहा हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में अगर काम कर रहा है और उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. आप एक्टर भी नहीं, एक्टर तो बनना बात की छोड़ दीजिए. मैं तो एक्टर को तो लैंग्वेज आनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है. कोई आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे जो है हर्निया हो गया था इसलिए मैं लैंग्वेज नहीं सीख पाया. वो ये हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ नहीं हो सकता. आपको लैंग्वेज आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाषा तो बोलनी है ना, वो तो बोलनी पड़ेगी आपको. यस, मेरा फील्ड अलग है. आई एम इनटू डिज़ाइन, तो थिएटर एक्टिंग लैंग्वेज से मेरा ऐसे कोई प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है. तो मैंने नोएडा में पढ़ाई करी थी, तो आई डोंट नो अबाउट ऑल द स्कूल्स, बट कुछ स्कूल्स इंग्लिश मीडियम है बट इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करते कि कंपल्सरी नहीं बनाते. No, when I finished the school, high school got over, mera English was not that great. Matlab, it was grammar and everything was weak. Then I went into the world. I improved my English, better kari, maine achhe se English bolne lagi. So now I write a little bit at a personal level. So, jabhi bhi mujhe aise kuch poem aati hai, to main Hindi poem bhi English mein pehle likhti hun, like alphabets mein, like not translated, but ABCD mein likhti hun, because yahan to notes mein likhungi, yahan paper pen pe likhungi, par pehle main ABCD में लिखूँगी. एंड देन आई वॉन्टेड टू राइट इट इन हिंदी, तो मेरे हिंदी के स्पेलिंग्स भी गलत हैं. तो मैंने एक दूसरी किताब बनाई जहाँ पर मैं सिर्फ अपनी हिंदी पोएम्स देवनागरी में लिखूँगी. पर फिर मैं सोचने लगी कि ऑल दो मेरे को ऐसे पब्लिश वगैरह कुछ नहीं करना क्योंकि बहुत ही लो लेवल है, बट इट्स जस्ट कि अगर जो भी मेरे दोस्त या फैमिली वाले पढ़ेंगे तो मैं क्या मैं उसे इंग्लिश में भी लिखूँ, क्या मैं उसे ABCD में भी लिखूँ. तो दैट्स लाइक मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है, द डिलेमा कि मैं देवनागरी में लिखूं भी कि ना लिखूं. लाइक अपने लिए लिख सकती हूं, बट कभी दोस्तों को पढ़ाने के लिए बिकॉज उनको पढ़ने में भी दिक्कत होती है. तो बिकॉज मैं खुद धीरे हिंदी पढ़ती हूं तो धीरे पढ़ती हूं, तो मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने खुद से गीता पढ़ने की कोशिश करी थी. तो ऑब्वियसली उससे बेटर हुआ, बट स्टिल स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू नो, स्लो रीडिंग, वो सब है. तो आई हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लैंग्वेज, बट या दैट्स द डिलेमा. नो नो, बट यू नो दैट्स अ प्रोसेस. व्हाट यू टेलिंग मी इज द प्रोसेस दैट यू आर गेटिंग ट्रबल्ड बाय योर ओन हैंडीकैप. इट्स अ प्रोसेस, यू नो. या तो आप वो एक ऑलरेडी एक प्रक्रिया में है कि जहाँ पे आप उसको बेटर करना चाह रही हैं, अच्छा करना चाह रही हैं, तो वो चर्निंग है. वो उसकी बात ही नहीं. हम लोग ये कह रहे हैं क्या वो चर्निंग सब में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये है कि नहीं है. एक अच्छी भाषा, हम जिस भाषा में काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि यार ठीक है ना यार, वो काम हो रहा है ना. मतलब उससे क्या उससे हम अपना भला कर पा रहे हैं ना, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका भला कर पा रहे हैं. मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ. कई बार हम एक्सक्यूजेज नहीं, जो मैटर हमारा क्या है कि हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लैंग्वेज पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और इंग्लिश एक एक्सक्यूज़ है. इंग्लिश या सच्चाई है आज के तारीख की, लेकिन प्लीज़ ये मत कहिए कि हमें इंग्लिश आती है. इंग्लिश अगर आप कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है, दैट्स नॉट अ लैंग्वेज, दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़. मनोज जी, मेरा नाम विनम्र है. जी विनम्र, कहाँ पर है? I have a native level proficiency in English language as well because I study abroad. पर मैं उतनी अच्छी तरह से वार्तालाप हिंदी में भी कर सकता हूँ. बहुत अच्छी बात है ना, आपसे सीखने का मौका. उसके बावजूद भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजर्वेशन की लैंग्वेज की ना, कि आजकल जितनी भी भाषाएं हैं वो जैसे मेरी मदर टंग गुजरी एक डायलेक्ट है हिंदी का, नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है. तो मेरे को ढंग से नहीं आती, पर मेरे परिवार वालों को आती है. तो हुआ ऐसा है कि जब मेरे दोस्त लोग हैं सब फरीदाबाद में, हम लोग रहते हैं दिल्ली के पास, तो हम पूरी तरह इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, पूरी तरह हिंदी में बात नहीं कर सकते. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भाषा का एक सबकल्चर बना दिया है. कि जैसे जो कोई फ़ोन यूज़ करता है तो वो गैजेट का 14 है, ठीक है, कोई फलाना ये करता है तो वो ऐसा है. ऐसे मिक्स कर करके हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन
प्योर लैंग्वेज में होती है. तो ऐसे हम लोगों ने भी इन सिंबल्स के थ्रू या इन लैंग्वेजेस को कंबाइन करने के थ्रू एक तरीका ढूंढ लिया आपसे बात करने का, जो शायद हम हिंदी में बयान नहीं कर सकते फुली या फिर इंग्लिश में. मैं क्वर्टी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा या टेक्स्टिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, एलओएल की बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूँ जो हम कहीं फिल्मों से बोरो करते हैं, कुछ फ्रेजेस हमारे आसपास लोकेशन से बोरो करते हैं और ऐसे अपनी एक अलग भाषा बना लेते हैं. तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब जैसे मैं उसको हम लोग एक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक तो हम लोग एक अपनी भाषा बना लेते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से. एक आदमी जो हिंदी नहीं भी जानता हो, एक ख़ास समाज बनता है, एक ख़ास ग्रुप बनता है जहाँ पर आप मेरे, मैं आपके साथ बहुत रिलेट करता हूँ, इनके साथ बहुत रिलेट करता हूँ. हम सब अलग अलग जगह से, अलग अलग संस्कार से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, लेकिन हम अपनी एक भाषा बना लेते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. लेकिन जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पर आती है तो हम सब अपनी अपनी भाषा में पारंगत हैं, अपनी अपनी भाषा सीखे हुए. जैसे आपने कहा कि मैं, ये मेरी भाषा है, मैंने सीखी हुई है. शुरू में ही आपने सबसे पहले बोल दिया कि आप बड़े प्रोफिशिएंट हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, आपने बोला. उसी तरह से जब मैं इनसे बात करूंगा तो कहेंगे भैया बुढ़िया मुझे बहुत अच्छी आती है. फला जो है वो कहेगा मुझे, मैं कहूँगा भैया भोजपुरी मुझे बहुत अच्छी आती है. लेकिन हमने आपस में बात करने के लिए एक खास लैंग्वेज ढूंढी. क्या हम आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख? जब आपस में बात करने की आप कोशिश करते हैं तो एक लैंग्वेज ज़रूर ढूंढते हैं आप, लेकिन क्या आज संवाद है? क्या आज आपस में बातचीत है? जितनी बातचीत हम आज इस कमरे में कर रहे हैं, इतनी बातचीत हमने कितने महीने पहले किया था एक दूसरे से, आप मुझे बताइए. कितने महीने पहले हमने एक दूसरे की बात सुनी थी, चाहे भले ही बकवास कर रहा हो, मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ, असहमत हूँ, भले ही मुझे उसको सुनना पड़ रहा है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, कम से कम दिमाग चल रहा है, बातचीत हो रही है, एक दूसरे की बातों को हम तर्क से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, अपने इतिहास के ज्ञान की थोड़ी सी उसको खंगाल रहे हैं. इतना हुआ नहीं था. आपस में जब बात करेंगे तो आप भाषा ढूंढेंगे या फिर अपनी भाषा पर मेहनत करेंगे, अपने कम्युनिकेशन पर आप मेहनत करेंगे. वो नहीं हो रहा है. वो कम्युनिकेशन जब ख़त्म होगा तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड लैंग्वेज विल ऑल्सो गो अवे. बातचीत वही थी हमारी आज की. और जहाँ तक बात है हमारे अपने प्रोफेशन की, तो भाई वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जो चैलेंजेस हैं कि 3 लाइन लिखने के लिए भाई देवनागरी में बोला गया, नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है. अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं, मैं कहूँगा 3 लाइन उनको अंग्रेजी में बुलवा दीजिए, 3 लाइन अंग्रेज़ी में उनको लिखने दे दी. मैंने वो भी करके देखा है. क्योंकि जब इंग्लिश मीडियम से जब कोई मुझे एक्सक्यूज़ देता है तो मैं कहता हूँ ठीक है अंग्रेज़ी ही अच्छी लिख लो, शायद वो अच्छी आती होगी आपको. नहीं आती. तो हम कर क्या रहे? क्या हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्शन में जाएंगे तो या कैमरामैन बनेंगे तो हमको अच्छी अंग्रेज़ी या अच्छी उड़िया या अच्छी मराठी, अच्छी हिंदी आनी ज़रूरी नहीं है. मुझे लगता है कि मैं इससे अलहदा सोचता हूँ. मुझे लगता है कि जो भी भाषा आपकी है, जिस भाषा में या तो काम कर रहे हैं या जो भाषा आपके समाज की बोलचाल की है, कम्युनिकेशन की, वो आपको आनी चाहिए. उस पर लगातार आपको काम करते रहना चाहिए. और लगातार जब आप काम करते हैं तो कम्युनिकेशन भी आपका बढ़िया होता है. कम्युनिकेशन के प्रति, संवाद के प्रति आपकी जो इच्छा है वो और प्रबल होती जाती है. जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है. जब मैं लोगों से बात करने जाता हूँ तो मैं हमेशा नए नए शब्द मुझे खोजता रहता हूँ कि कैसे मैं जो सोच रहा हूँ उसको सही सही इस आदमी को बता पाऊँ. जब मुझे कम्युनिकेट करने की इच्छा होती है, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए मैं बेहतर से बेहतर शब्द वो खोजने की कोशिश करता हूँ. जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो शब्द भी कहाँ से आएंगे और भाषा ही कहाँ रहेगी. मतलब अगेन आई एम सेइंग, थिएटर, टीवी और सिनेमा हटा दिए, यहाँ पर तो आना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर तो बहुत ही आवश्यक है. यू कांट गो वेरी फार इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, इफ़ यू योर लैंग्वेज बेस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. हेलो सर. हेलो सर. भूषण यार, हाय.
एक एक बारे में आप आपकी राय जाननी थी जी. आप अच्छी भाषा बोल रहे तो उसमें भाषा में अभी मराठी भाषा ले लो, मैं मराठी हो तो उसमें उपभाषा भी होती है बहुत, जैसे आगरी हो गया, कोली हो गया, कोंकणी, विदर्भ वगैरह, जहाँ जहाँ जाते जी, उस रीजन का हर एक का एक डायलेक्ट भाषा होती है. सो असल भाषा को प्रमाण करते समय या फिर हम जब प्रमाण बोलते हैं कि आपकी ये डायलेक्ट गलत है, आपको मराठी सीखनी पड़ेगी या फिर जो भी भाषा अच्छी से सीखनी पड़ेगी, तो किधर तो जो वो है, जो भाषा बोली भाषा है जिससे वो घर में बात कर रहा है, उसका ग्रोइंग उसमें हुआ है, तो वो कहीं वो छूटती नहीं जाती. नहीं छूटती. अब जैसे जैसे भोजपुरी है. हाँ. जैसे भोजपुरी का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है. हाँ. है ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो डायलेक्ट है अभी के लिए. लेकिन भोजपुरी के लोग उस पर उसको लैंग्वेज में, भोजपुरी जो समाज है, बहुत बड़ा समाज है, उसको भाषा में तब्दील करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है. लेकिन जो अच्छी भोजपुरी जानता है, जब वो हिंदी बोलने जाएगा तो भाषा जो है उसको भी अच्छा करना चाहेगा वो. मेरा अपना मानना है उसके कारण उसकी भोजपुरी ख़राब नहीं होगी कभी भी. उचंबा बहुत, मेरे दोस्तों में पता है जो अभी कोल्हापुर से आते थे या सातारा से आते थे, जहाँ कहाँ से भी आते थे, या फिर कोली दोस्त है, मैं डांडा में रहता हूँ यहाँ पे. सो होता क्या है, जब अपब्रिंगिंग होती है या फिर जो भी सीखते हैं काम पे जाते हैं, तो अभी उनकी खुद की जो बोली भाषा है, या फिर वो पूना में आ गए या फिर सिटीज़ में आ गए, तो बात मराठी में भी बात करते थे उनको, अरे ये क्या बात करें, ठीक से गांवटी बात मत. हाँ. वो एक कुचम बना उनमें होती जाती है प्रमाण करने के चक्कर में. आई नो. तो उसके चक्कर तो एलिटिसिज्म जो है वो. हाँ, वो तो भी वो वही, अभी वो खुद के फैमिली से, जैसे हम इंग्लिश भाषा की वजह से हिंदी कम्युनिकेट नहीं होता घर में, उसी सेम लेवल पे उसकी जो आजी है या फिर उसकी जो दादी है उसे कोली आती है, उसे फिर कोल्हापुरी लैंग्वेज आती है, जो भी है घाट की लैंग्वेज. सो उससे वो बात नहीं कर पाता या फिर उससे कनेक्ट नहीं कर पाता. सो हम जब भाषा प्रमाण का बात करते होता है जो होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण आता है लिखित स्क्रिप्चर में जी. लेकिन फिर ये बोली भाषा का क्या सीन है, क्योंकि हमारे इसमें कम्युनिकेशन में बोली भाषा ज़्यादा इमोशन के साथ है ज़्यादा. जैसे आपने कहा जो बहुत अच्छा सेंटेंस था, जो मैं भी दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, कि भाषा का जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से व्यक्त होना, ये भाषा का असली मतलब होना असली चाहिए, मतलब असली रीजन यही होना चाहिए उसके एग्जिस्टेंस का, अपने भाव को सही ढंग से दूसरे तक पहुंचा पाना. हाँ. इसके भाषा इसका बहुत बड़ा टूल है, टोन होना चाहिए. तो जब हम प्रमाण करने जाते तो ये इसेंस कहीं हम लूज नहीं कर रहे, या जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो लोकल डायलेक्ट है जी, उन जी, लोगों जी, के लिए जी, नहीं. तो एक दिन कुचम बने न्यूनगंड इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से डेवलप कर रहे हैं उन लोगों में. उनका अपब्रिंगिंग 15 साल तक एटलीस्ट जो गांव में ही पढ़े हैं, खाली जॉब के लिए या फिर स्ट्रगल के लिए सिटीज में आए, उनका पूरा सोचना उनके रूरल लैंग्वेज में होता है, उनका पूरा एकदम कोर से. लेकिन उनको फिर कुचम उनको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बोला जाता है, घाटी लैंग्वेज बोल रहा है. तो वो हम बोली भाषा के बारे में थोड़ा प्रमाण करते समय इसको ये जो संघर्ष है ना. हाँ. वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है. हाँ. ये संघर्ष आपको बंगाल में भी मिलेगा, कि गांव में जो बंगाली है वो जब बड़े शहर में आता है तो बड़े शहर में जो लोग बंगाली बोलते हैं तो वो उसके बंगाली पे हंसते हैं. हाँ. कि भाई ये बड़ी गांवठी वाली है, ये बड़ी गांव वाली है, क्योंकि वो एक देखिए वो जो है बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जहाँ हम एक दूसरे को एक दूसरे से हम अपने आप को सुपीरियर मानने का कारण ढूंढते हैं. दैट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी. वो शुरुआती दौर में अंग्रेजी को लेके होता था. अब हम कोई शब्द हमने सही नहीं बोला तो उसको सिखाने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते थे. आपको अगर याद हो सिखाने के लिए अचानक से 5 लोग, अरे नहीं नहीं क्या बोल दिया तुमने, नहीं नहीं यार जाके पढ़ो यार एकदम. तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू फील सुपीरियर ओवर ईच अदर. तो मतलब वो उसका ह्यूमन टेंडेंसी से लेना देना है, उसका लैंग्वेज को लेकर के नहीं है. नहीं, वही व्यक्ति जो गांव से आया है कल को कॉन्फिडेंस में आएगा, जॉब उसको मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस में आएगा तो वो सबके सामने अपने माँ बाप से उसी भाषा में बात करेगा. बाकी उसको जो है कॉन्फिडेंस आ गया, अभी वो चाहे वो उसको जिसे कारण उसको मिल गया टू बी व्हाट ही इज, जिसको बोलते हैं. पहले
पहले मुझे भी बहुत परेशानी होती थी भोजपुरी में किसी से बात करने में, मुझे लगता था यार पता नहीं क्या बोलेंगे या लोग कहाँ से आए, लेकिन जैसे ही आपको जो है थिएटर उटर में जब आपको सम्मान मिलने लगा तो आप जोर जोर से भोजपुरी में बात करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, जिसको जो मानना है माने, मैं तो मैं ही हूँ प्ले में। सो द मोमेंट यू स्टार्ट यू नो द मोमेंट पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू फॉर वट एवर यू आर, आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर अपने आप में वो एक। लेकिन बाकी लोग जो जिस तरह से हंसी मजाक माहौल, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि किस तरीके से मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूं, यू नो। तो वो शुरुआती दौर में जो है अंग्रेज़ी को लेकर के हमारे साथ में होता था या हिंदी को लेकर के होता था। अच्छा शराब बोल रहे हो, कहाँ से आए हो, लोग हंसते देते हैं हमारे पे ऐसे। तो आपको लगता है उसे नुकसान हुआ रहेगा? मैं थोड़ी सी मोटी चमड़ी का आदमी रहा हूँ तो मुझे नुकसान ज़्यादा नहीं होता था कि मतलब अगर आप अपने रिजॉल्व में कितने पक्के हैं वो तो अलग एक बहस ही है। अभी तो हम भाषा अफेक्ट नहीं होती इन सब चीज़ों से, वो जो आप कह रहे हैं उससे पहले तो व्यक्ति ही अफेक्टेड होता है, व्यक्ति प्रभावित हो रहा है इसलिए बाकी चीज़ें उसके प्रभावित हो रही हैं। हेलो, सो मैम जस्ट पॉइंटेड आउट अ वेरी गुड थिंग दैट वी दीज डेज फील दैट अपनी भाषा में बात करना बिलो डिग्निटी हो गई है। सो मैं जस्ट एक बैकग्राउंड देता हूँ कि सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग इन MNC। सो वहाँ पे कैसा होता है कि काफ़ी टाइम हम लोग जब भी एडवाइजरी करते हैं हम लोग कॉल पे होते हैं, तो इंडिया की टीम है, US की टीम है, UK की टीम है, चाइना की टीम है। सो एक जस्ट अभी रिसेंटली एक कॉल हुआ और उस पर चाइनीज़ टीम थी, और कैसा हुआ कि हम लोग सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं बट आपस में कभी डिस्कशन होता है, मतलब हम लोग को कुछ आपस में कभी पहले कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे, तो वहाँ पे चाइनीज़ टीम जो थी वो लोग के चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रही थी। सो मतलब दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, और हम लोग कहीं ना कहीं वो सब चीज़ ख़त्म करते जा रहे हैं। और कैसा हो रहा है कि इवन स्कूल्स में स्पेशली ग्रास रूट्स लेवल्स पे अगर देखेंगे तो ऑफलेट कैसा हो रहा है कि फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, वो सब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और हमारी जो एक्चुअल हिंदी है, मराठी है, मतलब आई एम बीइंग फ्रॉम यूएस, सो मैं ज़्यादा दूसरे मेरे को पता नहीं है कि गुजरात में या कैसे हो रहा है, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है कि जो भी सब बड़ी स्कूल्स हैं वहाँ पे ये सब फॉरेन लैंग्वेजेस का ज़्यादा अभी चलन हो रहा है, और कहीं ना कहीं कैसा है कि जो स्टडीज़ हो रही है वो मार्क्स ओरिएंटेड हो रही है। तो इसके लिए कैसे है कि हिंदी में मार्क्स कितना है, मराठी में मार्क्स कितना है, बट उसका एक्चुअल तुमने बराबर से सीखा है, लिटरेचर कैसा है, उसका ग्रामर बराबर से आता है या नहीं, वो कहीं ना कहीं वो एसेंस जो है वो मिस हो रहा है। देखिए वो एजुकेशन सिस्टम की तो बात क्या करना है, वो तो मतलब यहाँ पर माशा अल्लाह रहा है हमेशा से, और हर बार जिन जिन लोगों ने ज़्यादा कोशिश की उसको और बिगाड़ा ही है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा मार्क्स ओरिएंटेड एंड जॉब ओरिएंटेड रहा है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, वो इनोवेशन ओरिएंटेड नहीं रहा है जो क्रिएटिविटी को पुश कर पाए। क्रिएटिविटी मतलब सिर्फ थिएटर नहीं होता है, सिनेमा नहीं होता है, क्रिएटिविटी मतलब होता है कि जो बच्चे को इनोवेट करने के लिए कि हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में उसको पुश करे, उसके पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करे, पर्सनालिटी को ओवरऑल जो है उसमें एक निखार लेके आए। हमारा एजुकेशन कभी भी उस तरह का रहा नहीं है। मैं किसी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, किसी अमेरिकन का देख रहा था, एक्चुअली किसी पर देख रहा था, उसने कहा कि इंडिया विल नेवर प्रोड्यूस यू नो बिगेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हियर, मेजॉरिटी में ज़्यादा नहीं कभी कर पाएगा। भाई क्यों नहीं कर पाएगा? उसने कहा कि बिकॉज आप लोगों का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नौकरी पाने को लेकर के। तो जब आप गूगल में जाते हो, फेसबुक में जाते हो, एप्पल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे इंडियंस दिखते हैं सैन होजे में, है ना? हमको इनोवेटर नहीं मिल रहे, हमको इनोवेटर जो है यहाँ पे कोई इनोवेट करने वाला सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि जो कहे कि तुम भले ही जॉब करे ना करो, अपनी ज़िंदगी लगा दो कुछ नया खोजने में, कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ नया एक्सप्लोर करने में। तो जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये खामी है, जहाँ पर हम मेरे जैसा बच्चा जो मैं छोटा था तो मुझे शुरू से पता था कि मैं अगर आज मैं अपने समाज में बोल दूंगा कि मुझे एक्टर बनना है तो मेरी ज़िंदगी हराम कर देंगे, ये लोग बनने नहीं देंगे, ये लोग कभी बनने नहीं देंगे, तो मैंने कभी बोला ही नहीं।
मैं 17 साल की उम्र में घर से निकल गया, दिल्ली जाके थिएटर किया। जब थिएटर पूरी तरीके से करने लगा तब मैंने लेटर लिखा था कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी दूर से मैंने लेटर लिखा कि अगर मैं पास में गया तो ये खींच करके बिठा लेंगे, ये एक्टर कहाँ बनेगा ये। सो वी एक्चुअली, या किसी को शुरू में बोलो साइंटिस्ट, अरे क्या साइंटिस्ट बनोगे तुम, साले को यहाँ पे IAS वगैरह दो तुम्हारा पूरा पेंशन उनसे जानते हो मारा क्या, उल्टा उल्टा ऊपर का कमाई अलग है। तो हमारा पूरा सिस्टम हमने जॉब को लेकर के रखा हुआ है, सिक्योर जॉब सिक्योरिटी को लेकर रखा हुआ है। हम ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि बिना जॉब के भी आदमी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। अब उसको सिर्फ अगर वो खोजने में, क्रिएट करने में, एक्सप्लोर करने में लगाए तब भी वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। हमारा समाज कभी नहीं सोच पाता है, शायद इसलिए भी जो है। अब घूम फिर के, मैं उसी में आ रहा हूँ, घूम फिर के किसी, अगर कोई ट्रेडिशनल यहाँ पे लोग सुनेंगे, जो ट्रेडिशनल जॉब ओरिएंटेड माइंड के लोग सुनेंगे या टीचर सुनेंगे हमारी बातचीत, कहते हैं क्या ही भाषा के लेकर के बात कर रहे हैं, लगे व्हाट इज दिस टॉक। एट द एंड ऑफ डे वी हैव टू फाइंड अ जॉब यू नो विच कैन गेट फूड ऑन द टेबल। बेसिकली जो ये सारी बातचीत जो है ये ट्रेडिशनल थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। जब इस तरह के संवाद होते हैं तो इस तरह के संवाद आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, एक्सप्लोरेशन की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह के कम्युनिकेशन आपको नया कुछ सोचने की तरफ मजबूर करते हैं। भाषा पे बात करना, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज पे बात करना, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिबेट। हम सब लोग सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे हम भाषा को, अपनी भाषा जो हम बोलते हैं हम उसको कैसे बेटर करें, या जो दूसरी भाषा सीख रहे हैं हम उसको और कैसे बेटर करें, अच्छे तरीके से सीखें, हमारे कम्युनिकेशन में वो काम आए। अब मेरे ख्याल से अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, दैट सोसाइटी इज़ डेड। एंड फॉर अ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ आवर ओन हाउस, कम आउट ऑफ आवर ओन कम्फर्ट एंड स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल। जब आप उनसे बात करना शुरू करते हो तो भाषा का सिग्निफिकेंस अपने आप आपके दिमाग में आना शुरू होता है। नमस्ते मनोज जी, इधर से बोल रहा हूँ। मनोज जी, जब आप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एक फिल्म याद आई, हॉलीवुड की फिल्म है अराइवल। जी, आपने देखी होगी शायद। जी, अराइवल जितनी साईफाई फिल्म है वो उतनी ही भाषा पे उतना ही जोर देती है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोलता है कि जब तुम उनसे जाके मिलोगे तो उनसे पूछना संस्कृत में जंग का शब्द क्या होता है। तो वो वापस आता है और बोलता है गाविस्ती। गाविस्ती का अर्थ है अ डिज़ायर फॉर मोर काउज। तो ये फिल्म एक नज़रिए की तरफ आपको लेके जाती है कि आपको जंग किस तरह से देखनी है। या तो जंग आप नेशनलिज्म की तरफ से देख लीजिए, प्रोपागेंडा की तरफ से देख लीजिए, या फिर आप उसे ग्रीड की भावना से देख लीजिए। दूसरे सीन में बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि एक शब्द बताइए जिससे दोनों पार्टियों का अगर फायदा हो रहा हो तो उसको साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं। तो माँ को लगा विन विन, उसने विन विन कह दिया। उसने बोला नहीं, थोड़ा और साइंटिफिक चाहिए। तो शब्द था नॉन जीरो सम गेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे संस्कृत में भी रुचि आई, मैंने गाविस्ती गूगल किया, मुझे नॉन जीरो सम गेम में भी रुचि आई। बाकी जब वो चाइनीज में कुछ बात कर रही थी उसका ट्रांसलेशन शायद मेरे को नहीं मिला सबटाइटल में, तो मैंने वो भी गूगल किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद फिल्म, सिनेमा, आर्ट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है लैंग्वेज की रुचि बढ़ाने में। आज की उसमें गूगल, स्मार्टफोन, ये सब चलता रहेगा और ये जो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हाईजैक कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी कम्युनिकेशन को हाईजैक कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। दिस इज द नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो होगा ही। पर आई थिंक लैंग्वेज को जिंदा रखना शायद हमारी जिम्मेदारी है एज क्रिएटिव आर्टिस्ट। जैसे कि आपकी एक हिंदी कविता का चैनल है, उसमें आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी। जी, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और जरिया होता कभी इतनी सारी पोइट्री एक साथ सुनने का, लेकिन वो पूरा बहुत ही बेहतरीन संकलन है उन सब पोइट्री का। तो आई थिंक ये सब इसी तरीके से शायद लैंग्वेज जीवित रह पाएगी, वरना सारी लैंग्वेज नहीं, हिंदी सिनेमा चाहे मराठी सिनेमा,
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिनेमा थिएटर टीवी इसकी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, चाहे वो समाज के किसी पहलू को लेकर के हो या फिर अपनी भाषा को लेकर के हो। बहुत सारे लोग जो हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, मुझे पता है कि वो लोगों ने हिंदी समझनी शुरू कर दी हिंदी फिल्में देखते देखते, वो हिंदी उनकी भाषा नहीं है, लेकिन चूंकि वो हिंदी फिल्म में देखना पसंद करते हैं तो हिंदी उनको अच्छी आने लगी। लेकिन आजकल की जो हिंदी आजकल जो फिल्मों में जिस तरह की हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, मैं हिंदी सिनेमा का मैं सदस्य होते हुए कह सकता हूँ कि मुझे उस भाषा से परहेज़ है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वो भाषा अगर बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि वो कैरेक्टर ऐसी भाषा बोलेगा, तो मुझे लगता नहीं भाई, वो कैरेक्टर क्यों ऐसी भाषा बोलेगा, ऐसी भाषा बोलना जो है मैंने तो नहीं सुना है उस तरह के कैरेक्टर्स को समाज में बोलते हुए। लेकिन अचानक एहसास ये हुआ कि जो लिख रहा है या जो उससे करवा रहा है वो बेचारा उससे ज़्यादा अच्छी भाषा जानता ही नहीं है, तो वो उसको भाषा वही दे रहा है जो वो जानता है। तो इसके कई अभी आगे आने वाले 4-5 साल के बाद देखेंगे स्थिति और भी बुरी होगी। जैसे अभी कोई कह रहा था कि भाई आगे आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा जो सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को इतनी लाइसेंस दी, हमने उनको फैला दिया क्योंकि अचानक लगा कि मिडिल क्लास का एस्पिरेशन इंग्लिश मीडियम है। टेरिबल इंग्लिश, हाँ, और मैं ये कह सकता हूँ जबकि इंग्लिश में लैंग्वेज नहीं है तभी मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत बुरी अंग्रेजी बोलते हैं हमारे साथ आजकल के इंग्लिश मीडियम वाले, और मुझसे भी ज़्यादा बुरी अंग्रेजी बोलते हैं बहुत सारे। तो अब वो इतना ज़्यादा लाइसेंस दिया गया क्योंकि वो उन्होंने जो है सडनली उनको लगा कि मिडिल क्लास का ज़्यादातर 90% मिडिल क्लास का एस्पिरेशन है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, क्योंकि इंग्लिश एक समय में एलीट लैंग्वेज हुआ करती थी, उसको फॉलो करने के चक्कर में जो बहुत सारे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल का लाइसेंस मिले, आज आपको गली गली में हर कोई इंग्लिश मीडियम है, हर कोई इंग्लिश मीडियम है। मैं अपने गांव गया तो वहाँ पे 3 कमरे का स्कूल बना हुआ था, लिखा हुआ था इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मैंने जाके पूछा उनसे कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है क्या, तो उन्होंने कहा कि ना 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 अभी खोज रहे हैं, अंग्रेजी का कोई आ जाए तो पढ़ा देंगे। तो एक अजीब तरीके का एक इससे जो है फ्रॉड भी चला है, जिसके कारण आप देखेंगे कि अच्छी अंग्रेजी जैसे वो कह रही हैं कि अच्छी अंग्रेजी भी नहीं सीख रहे हैं। कौन सिखाए अच्छी अंग्रेजी? मैं जिस स्कूल में था वो हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करता था, ये रन बाय मिशनरी, लेकिन जो इंग्लिश सिखाने आते थे टीचर हमारे वो ब्रदर थे केरल के। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही पढ़ा, मैं ऐसे मतलब मजाकिया में एक आपको वाक्य सुना रहा हूँ, एंड द नाइट फॉल्स उन्होंने लिखा, सारे बच्चे हंसने लगे, हंसी होने लगी। तो उन्होंने कहा कि जिस नाइट फॉल पे आप हंस रहे हैं वो अच्छा शब्द नहीं है, दैट्स कॉल्ड इजैकुलेशन, दिस नाइट फॉल्स मतलब एंड रात हो गई। तो हम भोजपुरी वालों को नाइट फॉल का मतलब जो है कुछ और। तो बेचारे ब्रदर को ये भी पता था कि ये क्या, ये हंस तो रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं। फिर उन्होंने, ब्रदर ने मुझे अभी तक याद है, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा कि उसका लेट मी टेल यू दैट देर इज अ वर्ड कॉल वेट ड्रीम फॉर दैट, ओके, एंड दिस नाइट फॉल्स मतलब रात हो रही है, रात गिर रही है नहीं, रात हो रही है। तो उन्होंने हंसते हंसते हमको एक शब्द भी बताया कि एक टीचर हुआ करते थे, आई डोंट नो कि अब उस तरह के टीचर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग का एक पैशनेट टीचर्स हुआ करते थे
जिनको जिनको हम आज भी याद करते हैं, हम सब लोग याद करते होंगे, हमारे फेवरेट टीचर हुआ करते होंगे। हम मेरे भी फेवरेट टीचर दो तीन थे, जिसमें से एक आध तो गुजर गए, लेकिन अभी अभी अपने शहर जाता हूँ तो वो फादर कहाँ हैं, वो ब्रदर कहाँ हैं, वो टीचर कहाँ हैं, हम लोग खोजते हैं जा कर के उनको, बिकॉज दोज टीचर्स आर सो पैशनेट अबाउट यू नो टीचिंग यू द राइट थिंग, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे संस्कृत हो, हम उनको बहुत याद करते हैं। आई जस्ट होप कि यू नो दैट रिमेन्स द सेम विथ दीज इंग्लो सो कॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। Very important. Drafting is extremely important. Today, most of them are, you know, on the computer, and copy paste seems to be the way to draft. Right. Okay, and when even the, as you sub, I'm a senior, you edit it on the computer itself, and they don't even check their work in the sense what are the corrections made. All that they do is accept. Right. Now, as seniors or as teachers, I think we also have a responsibility to go going ahead, take the effort to correct it by pen. Then they have to key it. At least right. When they key it, there's some amount of reinforcement. Now, I think going forward, what we need to see is what is it that we can do to reinforce language, reinforce words that are not familiar, reinforce new words into their vocabulary. So that is what we need to see, because we all agree there's a problem. There is a problem. Yeah. What is it that we can do going ahead? Right. Yeah. You were talking about going forward, and I'm also a lawyer, by the way, but not that senior as you are. Okay, so for us, one of the first things, especially in law, is what our seniors tell us is read judgments, so that you get legal language in your vocabulary. Right. Today, I find even in offices, and I'm much older in age compared to my junior, you know, compared to my colleagues, all of them are speaking, as you said, English. Mm-hmm. And I have this habit of correcting myself and others whenever there is a it isn't pronounced properly, or the sentence isn't framed well. Right. So this purity of language that somehow, as you were talking about your teacher, I have received from my teachers, the purity of language in terms of certain exercises that my parents, especially my father, and the teachers and the students used to do, that is transcription, which is you look at a passage and you are made to write, so that your handwriting improves, your punctuation, your language, because you're reading and writing, then standing in front of the entire classroom, reading aloud, even how you hold your book. Yes. You're not allowed to fold a book, where it is bound, the binding is. So everything, your posture, everything was corrected. Right. It was almost like what you all study in the theater. But we got that training in school. So we need dedicated teachers and dedicated parents. And computer language is fun. English is fun. But in the right environment, in the right scenario, with the right people, when you may be chilling at the water cooler where you will use all this language. Right. But when you get back to your desk, or you're in court, or you're in school, or you're in any professional environment, even a chartered accountant should be able to communicate effectively in English. Nothing wrong with English, and nothing wrong with any, you know, local languages or dialects or whatever. They have their own sense of purity and place. English is one of the three lingua franca, if I'm pronouncing right. correctly, and that was French, English, Latin, and English is a world language. We have to know it. Nothing wrong with that. Mm-hmm. But for the sake of that, we need not sacrifice our local languages and dialects, etc. So my mother tongue is Malayalam. I cannot read and write it. I can only speak normal Malayalam, you know, right. converse. But if I have to listen to the news or I have to listen to a song, I can't understand a thing. Right. Because I learned spoken language only in Kerala when I used to go for my summer vacation. Mm-hmm. So, as long as we communicate effectively, and schools definitely have to improve. They have to improve on themselves. Just one question, you know, for there are a lot of teachers here. How do they grade students
in languages and give them 90 on 100. That's impossible. I mean, we will take a few more questions. Yeah. First of all, thank you for sharing your evening with us. I'm sure it means a lot to everyone here. I'd like to make one point. I completely agree with what you're saying, and I myself try to refine my own diction as much as I can. But I can't help but articulate this other side to this debate, like the whole concept of chutneyfication, right? Which is that chutneyfication. Different art forms like literature, so people in different places appropriating languages from another land and putting their own spin on it. So if I were to just reference a film of yours, like Gangs of Wasseypur, for example, like a song like I'm a Hunter, that relies on this concept of chutneyfication, and people might not call it art, but it's also kind of an art, right? That people are expressing through. So like there are interesting developments made by this sort of appropriation and chutneyfication, which is also another side to this debate that we end up not representing, like just because we need to focus on the purity of language. It's not about the purity of language, you know, sorry to interrupt. Yeah. What we were talking about, that we have to know, we have to really be aware of the language, the right language, keep working on it. And when it comes to, all those people who have written the songs that you were talking about, the director himself, all of these are very much aware of the language that they are communicating in. And then they go ahead and distort it according to the situation and the circumstances which is there in the script or which is the demand of the script. Lekin jo sirf wahi janta hai, wo to 5 ke 5 mein wahi likhega. Jab aapko wo bhasha pure tarike se aati hai, to aap jante hain ki usko kis kis sandarbh mein kaise kaise kab kab kaise rakha jaye. लेकिन जब आपको सिर्फ वही भाषा आती है जो जो चटनीफिकेशन वाली बात कर रहे हैं आप, वो तो चाहे वो चाणक्य जैसी फिल्म में भी आप वही भाषा रखेंगे और वसेपुर में भी वही रखेंगे फिर, क्योंकि आपको वही आती है. लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू नो हाउ टू डिस्टॉर्ट इट. बट इफ़ यू हैव यू ओनली नो द डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज, यू विल ओनली राइट इट डिस्टॉर्टेड. You only speak distorted in distorted language. You have to keep on, you know, working on your language to communicate in a better, in a much more better. जैसे मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है सर. मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है, भोजपुरी मेरी लैंग्वेज है. मैं अपने माँ बाप भाई बहन से सिर्फ भोजपुरी में बात करता हूँ. मैं उसी माहौल में पला बढ़ा हूँ जहाँ पर टीचर जो है हिंदी में लिख करके, और जैसे ही क्लास में टन 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 घंटी घंटी बजती थी, उसके बाद क्या ऐ बनो सुनो आना है आज ही होने तो दैट्स द वो पढ़ाते थे हिंदी में, लेकिन 18 घंटे तो भोजपुरी में बात कर रहे थे. तो भोजपुरी मेरी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी जब मैंने सीखनी शुरू की, अंग्रेज़ी सीखनी शुरू की, वो आज तक सीखना चल रहा है, ताकि मैं मुझे लगता है कि और भी अच्छे से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, और भी अच्छे शब्द मैं निकाल के ले पाऊँ, ताकि लोग जो है मेरे सही भाव समझ पाएँ कि जो मेरे दिल में है या दिमाग में चल रहा है उसको मैं और अच्छे ढंग से समझा पाऊँ लोगों को. और अच्छे ढंग से समझाने के लिए यू हैव टू नो योर लैंग्वेज वेल. यू हैव टू, देयर इज़ नो एक्सक्यूज. I have a point here. Oh, so sorry. Language evolves. If I spoke in Shakespearean English, nobody would understand me. Right. So over time, all languages evolve. And right. Keeping with probably the youth of today, I mean, much of what you read even in the newspapers, so-called mainline newspapers, they're using acronyms which will take you a decade to decipher. Journalism today. I know. I mean, it is really disgraceful, but as I'm saying, language evolves to suit the times. I completely agree with you.
that language, all languages, over the years they have been evolving. The languages which had very passionate students, every language has its own admirers, very passionate admirers, you know, in all times. But those admirers, I mean, like, there are so many people who love speaking, love English. There are so many people I can sense, you know, love, like this gentleman here. He loves Marathi, okay? So he will work on, you know, he will work on this language more and more. He will try to get new words from other languages to really better this language, you know, keep borrowing. We keep borrowing from each other. And that's how we enrich our own language. We are not talking about that, man. You know, evolution of languages is something, it's unstoppable. No, people say that when there is to be trade, there is to be not only exchange of money or exchange of goods, there is to be exchange of culture, language. That's how Parsi came into our land. That's how Parsi, you know, took so many Sanskrit words into their own language. I'm not talking about that. I'm talking about the sense of responsibility. I'm talking about the need of communication. I'm talking about need of speaking, need to be aware about the importance of language in our communication, in our work area. Okay, this is what we are talking about. Evolution of the language or any language is unstoppable. It will always happen, you know. Maybe tomorrow the acronym we are talking about, that will become something very, very important in each and every language. LOL, kya bola tha apne usko, what is the full form? Laugh out loud. LOL will become a very legal word. Official word. Who knows? But we should be aware about. We should be very, very much responsible, and we should be aware, and we should be willing to communicate in a better way. You know, instead of giving excuses, ki yaar mujhe na achhi Hindi aati hai, English aati hai mujhe. This is what has been troubling me, and that is why I thought of, you know, starting a debate on this, just to find an answer for my own self, more than, you know, I didn't want to give a gyan on this. I just wanted to find an answer from all of you guys. I think I found certain more new points during this conversation, and it was great talking to all of you. Good evening, sir. We have been talking a lot and debating about the importance of spoken language as against the written language. Right. And that is something which I wanted to talk about. Yeah. That, I mean, like ma'am told us about a child being able to read or understand 5 languages. There may be people who can do more. And if we do not learn the written language, or if we do learn the written language, it introduces us to the literature. Like, we have a wealth of literature in local languages. And if we shut ourselves out of that, it does not even only stop communication, but also a lot of indigenous knowledge which is there in our country, which is there in the local text, whether it is to do with Yoga Shastra, Vastu Shastra, or any other, you know, farming or Ayurveda. There's so many things which are there in the local languages. And if we stop learning, writing, and reading those languages, a lot of that knowledge will also get lost. Yes, I mean, since a long time, since so many years, I still remember, for so many years, we've been trying to find a Hindi translation of so many great Marathi literature. But we couldn't find it. Or Bengali literature, or Malayali literature, South Indian literature in Hindi languages. You know, we could not work on it. Without working on these aspects of our own languages, we started giving license to English medium school. So we are taking, you know, the
the generation which is going to come, nowhere. You know, they are going up without knowing the land that they are born in, without knowing the culture of the land that their mother father come from or they come from. They are only going to be taking the YouTube is going to be their culture, definitely. At least I can say talk about this city. The children I really feel bad about. The YouTube is going to be, Snapchat is going to be their culture. I just hope that you know parents become much more responsible in instilling the idea of the land, the true idea of this land where these children are born in. Yeah, the land not knowing the correct language is one aspect, but it is also telling such it's actually a huge concern vis-a-vis so many other things. Language is just one part of it, but not really caring about it is my concern, and the concern is not only about the right language, it goes somewhere else also. You are actually, you know, because when you are not concerned about the language which is yours, somehow you are not concerned about the history of this land, the culture of the land that you come from. Hi, my name is Sudarshan. I just want to kind of add one point to this discussion we are having and then share an experience which kind of resonates with some of the things that 2-3 people have said here. So we spoke about LOL, L-O-L, jo shabd hai. So we laughing out loud. But I believe that you know some words have also come into the language because they were abbreviations in the past. So the word OK, which we take for granted now, is an American acronym for all correct, O-L-L, K-O-R-R. So you're right, you know, maybe we'll have someday, you know, some of these words coming into a language. And I also want to talk about, people talked about the education system. So I grew up in Bombay, I'm Maharashtrian, but I grew up in a very, you know, English kind of, you know, environment. And then I went to Delhi for my engineering science. And I was a bit of novelty over there, you know, like, tum IIT Bombay kyun nahi gaye, you know, you should have gone to IIT Delhi, tum yahan kya kar rahe ho, you know, like. And they said, tum to Bombay se ho, tum to film ke city se ho, tumhe Hindi nahi aati. Mm-hmm. So I said, no, because I had grown up in my Hindi school, you know, in my school, I topped in Hindi, but I couldn't speak Hindi very well. It was very bad, you know? So I got through it, you know. Right. And I think it's very important for teachers who are teaching Hindi in whichever school they are, that aap jab Hindi padha rahe ho, to bachche Hindi mein hi baat karenge us class mein. Right. They will not speak in English, ki you copy the, pass the copy here. No, you'll speak in Hindi because you're learning the language. Speaking the language is as important. So when I went to Delhi, of course, you know, I learned my Hindi, spoken Hindi in Delhi, and I realize now that it's a very rich language. I speak my wife in Hindi, and there are some things which you can say only in Hindi, you know. So every language has its beauty. Really, I mean, there are some things you can't say in English. It's an amazing language. So I really think each language should get that space in our ear, and there should be that openness, and we should speak that language, you know, like Bengali. I know a bit of Bengali. I wish I could speak more, but we should give it that space, including in our schools. आपने एक बहुत ही अहम बात कही मनोज जी की. मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं कितनी सटीकता से और कितनी एक्यूरेसी से सामने वाले तक मेरी बात कह सकता हूँ, ये आपके जहन में हमेशा चलता है. और इसका मैं बहुत आइडेंटिफिकेशन कर सकती हूँ क्योंकि मैं लेखक हूँ, और हमेशा ये कि आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है वो आप कैसे कागज़ पर उतारते हो. मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आजकल मोटे मोटे शब्द एक ग्रुप ऑफ इमोशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी हानि पहुंच रही है. एक अगर मज़े का उदाहरण देना चाहूं तो मैं मेरी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई थी, और मेरी सहेली का पेट ख़राब था. तो डॉक्टर ने पूछा कि पेट ख़राब था तो आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वायु भर रहा है, गुड़गुड़ी हो रही है, या फिर ठुसकियाँ निकल रही हैं अंदर से. आप एक 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 क्या अलग अलग भावना के अलग अलग, इसके तो कभी कभी जान भी बच सकती है आपकी कि आपको पता चले कि एक्यूरेटली आपके साथ क्या हो क्या रहा है.
दूसरा अगर थोड़ी इस बात को गंभीरता तक ले जाएं तो बात है डिप्रेशन की. मतलब एक बड़ा सा शब्द है और हम हर भावना को अगर डिप्रेशन बना के चलते हैं, कभी हम खिन्न होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी खीज आ जाती है, कभी गोधूली का समय होता है. तो इतने अलग अलग, जैसे एक पेंटर जैसे यूज़ करता है अलग अलग शेड्स, वैसे भावनाओं के अलग अलग शेड, मुझे लगता है कि हम एक जो एक मोटा स्ट्रोक किसी एक शब्द का देते चलते हैं तो उसमें सारी ये चीज़ें बिल्कुल ही खो जाती है, ऐसा मुझे लगता है. और मैं लेखक हूँ, 2 महीने फिल्में लिखती हूँ, 2 महीने बिल्कुल काम नहीं था तो मैं व्हाट्सएप पे अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी. और फिर जब काम आया एक फिल्म लिखने का और मैं जब डायलॉग्स लिखने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ उसमें किसी तरह की पूर्णता नहीं है. और फिर मैंने एक बार लिखते लिखते तैश में ना एक डायलॉग के साथ एक स्माइली भी लिख दिया. एंड देन आई सडनली फेल्ट कि वाह, ये कितनी, ये सही बात है. तब समझ में नहीं आया. एंड व्हेन आई वाज री रीडिंग व्हाट एवर आई हैड रिटन, आई फेल्ट लाइक अ स्माइली. सीरियसली, दिस इज अ फिल्म स्क्रिप्ट, यू आर राइटिंग इन फाइनल ड्राफ्ट एंड यू आर यूजिंग अ स्माइली, एंड दैट वाज द रीजन आई वाज फीलिंग सो कंप्लीट एंड नाइस कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग. सो मुझे लगता है भाषा एक भाषा न रहते हुए अभी तो वो एक इमोटिकॉन भी बन गई है. कई बार आपने लेखकों की भी शिकायत थी कि वो जो बिल्कुल मतलब जायज़ है, मैं ये नहीं कहती कि आई एम डिफेंडिंग माई फ्रेटर्निटी, लेकिन कई बार ये होता है कि जो शब्द हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका एक्टर्स को भी मायने नहीं होता. आप जैसे एक्टर्स भी सर बहुत कम है, इसलिए आप जहाँ हो वहाँ हो. उदाहरण के तौर पे मैं लिखूँगी कि मैंने किसी एक सीन में फहरिस्त शब्द यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, और बाकी सारे लोगों ने मुझे खूब लेफ्ट राइट लिया कि फहरिस्त क्या होता है, किसे समझ में आएगा और इसका मतलब क्या होता है. एक विक्रम गोखले थे जो मेरे बाजू में खड़े रहे और कहें फहरिस्त है मेरे लिए लिखा है, मैं कहूँगा तो वो ठीक लगे. थैंक यू, बस इतनी ही बात कहनी थी. थैंक यू. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. सो लैंग्वेज, भाषा कम्युनिकेट करने के लिए है. मैं जिस भाषा में बोलूँ मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा सकूँ. क्या हम इस बात पे सेटल हो सकते हैं कि जो बात मैं बोल रही हूँ, चाहे जिस किसी भाषा में बोल रही हूँ, वो मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ? दूसरा, एजुकेशन और टीचर्स की जहाँ बात है, इस दौर में टीचर्स वो हैं जो मजबूरी में बने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बच्चे एक्टर्स बनने यहाँ आते हैं लेकिन वो टीचर्स बन जाते हैं सम ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस. सो वो टीचर्स नहीं हैं, आउट ऑफ मजबूरी बने हैं. सो हम इस बात पे सेटल हो सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो खुद को इवॉल्व करने के लिए होनी चाहिए. आप अपने बच्चों को एक एक उम्र है जब उसे आप गीता देंगे तो वो कभी हिंदी भूलेगा नहीं, बिकॉज दैट हैपेंड विथ मी. सो हम क्या इस तरह से अपने बच्चों में वो संस्कार डाल सकते हैं लैंग्वेज का, बाय नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? बिकॉज कॉम्पिटिशन तो है, यू कांट सर्वाइव विदाउट अ जॉब, यू नीड अ जॉब. सो वो कॉम्पिटिशन तो रहेगा, बट कैन वी सेटल दैट अ पेरेंट वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द चाइल्ड विद देयर ओन संस्कार, देयर ओन रिचुअल्स, देयर ओन वट एवर महाभारत एंड रामायण, वट एवर लिटरेचर वी हैव अवेलेबल? कैन दैट हैपन? आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर टेक ऑन दैट. दिस पेरेंट इज एब्सोल्युटली ट्रबल्ड and feel, you know, I'll come back to it. उसको तो हिंदी, उससे कोई नहीं बात कर रहा है, तो मैं एक बाप ही बात करता है उससे हिंदी में, तो कम से कम थोड़ी बहुत हिंदी में बात कर लेती है वो. हर स्पीकिंग टू भोजपुरी विल बी अ ग्रेटर टास्क, बिकॉज एज somebody said that, you know, you have, if you are knowing the language, there has to be someone to speak to, you know. But if I start speaking to, I speak to her in Hindi, so my first priority is Hindi today, so that, you know, she learns Hindi. Tomorrow, if she has to communicate in North India with somebody, in the interior of Maharashtra, even if she knows little bit of Hindi, she can manage it. But if she starts speaking in English, she will never be able to manage if she goes to Satara, you know. Satara
मैं जाता हूँ, कोल्हापुर जाता हूँ, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, मुझे इतनी अच्छी मराठी नहीं आती, लेकिन मराठी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी मराठी सुननी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लोगों से बैठ के बातें करता हूँ और लोग मुझसे भी हिंदी में बात करते हैं, टूटी फूटी हिंदी में बात करेंगे, मैं भी उनसे अच्छी मराठी सीखने की कोशिश करता रहूँगा. देर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज, देर इज़ ऑलवेज यू नो अ विलिंगनेस टू लर्न ईच अदर्स यू नो कम्युनिकेशन स्किल. सो वहाँ पर जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम एक और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं. हम एक दूसरे को, मेरे मेकअप मैन हैं, वो मुझे मराठी सिखाते रहते हैं, फिर कभी कभी जो है वो बोलते हैं कि सर वो जो आपने बोला था ना कि वो ऐसा नहीं होगा, वो लड़की को ऐसे बोलेंगे, लड़का को ऐसे बोलेंगे, ये जो है छोटे को बोलेंगे ये आपने क्या बोल दिया सर, वो बड़े हैं उनको ऐसे बोलना चाहिए. तो ये हम लोग लगातार करते रहते हैं. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो आप कह रहे थे कि सेटल करना, हम सेटल किसी बात पे नहीं करेंगे, सेटल करके हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे, हम अच्छा सीखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा पढ़ने की लगातार कोशिश करते रहेंगे. मेरी कोशिश भी लगातार चलती रहेगी कि मैं अपनी बेटी को अच्छी हिंदी और अच्छी अंग्रेज़ी सिखा पाऊँ. वो लगातार जो है वो परेशानी अगर मेरे अंदर में है और वो आपसे साझा कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो परेशानी जो है मैं उसको, मैंने बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है और एक चैलेंज के तौर पे मैंने लिया हुआ है कि मैं उसको सिखाऊंगा. मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं उसमें उसको मैं बाकायदा तोड़ने की कोशिश करता रहूँगा. इस जो जितने चैलेंजेस हैं उसको तोड़ने की कोशिश बहुत ज़रूरी है. ये डे टू डे कॉस्मोपॉलिटन में हमारे चैलेंजेस बहुत हैं. क्या हम उतना समय दे पाते हैं? अभी कोई बात कर रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों को समय दें. माँ बच्चों को समय देना अपने आप में चैलेंज है. यहाँ पे हम वो चैलेंज को लें, हम उस चैलेंज को तोड़ें, जा कर के उनके साथ समय गुजारें, स्कूल के साथ बैठें. जैसे मैं स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल के साथ जाकर बैठता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी, इंग्लिश की ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी, हिंदी की ये प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स की ये प्रॉब्लम आ रही है. और दूसरे माँ बाप से भी बात करता हूँ कि भाई अपने बच्चों से सिर्फ अंग्रेज़ी में बात मत करो, अंग्रेज़ी तो सीख ही रहा है वो इंग्लिश मीडियम में, आप गुजराती में बात कर लो, आप मराठी हो मराठी में बात कर लो, हिंदी में बात कर लो. तो इस तरह के लगातार एक कोशिश चल रही. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि आप एक थिएटर का वर्कशॉप ये समर वेकेशन में रख दो. दिल्ली में और लखनऊ में लोग करते हैं कि समर वेकेशन में बच्चे जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं छुट्टी में किसी और जगह घूमने के लिए, उनके लिए समर वेकेशन है जहाँ पे बच्चे आ करके एक ये जैसे कहें कि थिएटर का वर्कशॉप करेंगे और थिएटर ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही दिस इज़ सो बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड. तो वो कर देते हैं, देन आई गॉट देम टीचर हु आर वेरी गुड विद द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स विद द चिल्ड्रन. यू वोंट बिलीव देर वॉज नॉट इवन वन रजिस्ट्रेशन, नॉट इवन वन. द पेरेंट्स आर नॉट विलिंग. Parents are, I would say that parents are somewhere in the at least in the cosmopolitan society, they want their children to be competitive. They don't want their children to be focusing on themselves and on their own all-round development. They are not interested. So, जो parents का interest क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपने सारी जो तमन्नाएं हैं और आशाएं हैं और सपने हैं वो बच्चे के थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं. तो बच्चा एक जरिया बन गया है. वो एक सैड सिचुएशन है इस मॉडर्न सोसाइटी की, जिससे हम लोग जो है उससे जूझ रहे हैं. आज पेरेंट्स हम मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी अपनी बच्ची को ये है कि हमारी कोई आशा नहीं है उसके साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जिम्मेदारी है कि वो स्पॉइल्ड ना हो, हमारी जिम्मेदारी है कि वो अपने संस्कार सीखे, हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे घर में जो लड़के या कोई औरत काम करने आती है वो उसको नमस्ते बोले ना बोले लेकिन गुड मॉर्निंग ज़रूर बोल ले. भाई नमस्ते ना बोले, गुड मॉर्निंग तो बोले. तो अब उसको ग्रीट करना, लोगों को ग्रीट करना सीखे. लिफ्ट में जाए तो कहे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी दिखे, जो लिफ्ट वाला है या जो भी दिखे.
तो ये तो हमारी जिम्मेदारी तो ज़रूर बनती है। और संस्कार इसी को कहते हैं, संस्कार उसको नहीं कहते हैं कि आप बैठ करके पूजा पाठ कराना सिखाइए, संस्कार कहते हैं कि तहजीब, संस्कार उसको कहते हैं, तहजीब सिखाइए। तो अगर हम वो सिखा पाए अपने बच्चों को, और तहजीब हर तरीके की, तहजीब व्यवहार की, तहजीब भाषा की, तहजीब उठने बैठने की, तहजीब पढ़ने की, ये सब चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाए तो हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। शायद मैं इतनी बातचीत से इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द आइडियाज़।